आज हम बनाने वाले हैं उत्तराखंड की बहुत ही फेमस लोबिया दाल की भरी रोटी, जिसे रेयांस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लोबिया दाल दिखने में इस तरीके की होती है, जिसकी उत्तराखंड में भरी रोटी और दाल दोनों बनाई जाती हैं। तो चलिए बनाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आपको लोबिया की भरी रोटी जब भी बनानी हो तो रात भर इसे भिगोने रख दे, देन उसके बाद बॉइल करे तो रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। पर आज मैंने थोड़ा यहाँ पर इंस्टेंट काम किया है। दाल को जस्ट एक घंटा गर्म पानी में भिगाया है और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक घंटा गर्म पानी में भीगने के बाद ये पहले से काफी अच्छी बाउंस हो चुकी है। तो बस अब दाल में बढ़िया सा पानी लगाकर हम इसे बॉइल करने गैस पर चढ़ा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम साबुत उड़द की दाल को उबालते हैं तो बस इसे उबालने का भी सेम वही तरीका है। तो मैंने यहाँ पर गैस फ्लेम को हाई फ्लेम पर रखते हुए एक सीटी लगा ली है और उसके बाद धीमी आंच पर आधा घंटा रखकर गैस को बंद कर लिया। तो चलिए भरी रोटी बनाने के लिए यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। तो आटा गूंथने के लिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी का यूज किया है। अब देखिए आटे को हमें ना ज्यादा सख्त और ना ही ज्यादा गीला गूंथना है, बस आटे को हमें सॉफ्ट सा गूंथना है ताकि जब हम इसके अंदर स्टफिंग फील करें तो स्टफिंग इवनली स्प्रेड हो जाए। पर अगर हम आटा सख्त लगाएंगे तो क्या होगा ना, रोटी के अंदर स्टफिंग बीच में से खाली और किनारे किनारे स्प्रेड हो जाएगी। तो बस आटे को हमें थोड़ा सॉफ्ट सा गूंथना है। और अब मैं अपने किचन गार्डन से थोड़ा सा फ्रेश धनिया, पुदीना और थोड़े से लहसुन के पत्ते तोड़ लेती हूँ, जो कि हमारी भरी रोटी और चटनी दोनों में काम आने वाले हैं। अब नेक्स्ट काम हमारे यहाँ पर सिलबट्टे का आ चुका है, जिस पर हम अपनी भरी रोटी के लिए बढ़िया सा मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच जितना अदरक, 12 से 13 कली लहसुन की, 2 हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा और 2 छोटी चम्मच साबुत धनिया ले लिया है और बस मसाले को हमें यहाँ पे दरदरा सा पीस लेना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल और चटपटा सा मसाला बनकर तैयार है। अच्छा फ्रेंड्स, और एक बात, जब भी आप दाल को बॉईल करें तो दाल ओवर कुक ना हो, क्योंकि अगर दाल ओवर कुक हो गई तो हमें उसे पीसने में परेशानी होगी। और अब स्ट्रेनर की सहायता से दाल में से पानी को अच्छे से निकाल कर दाल को पीस लेंगे। अब देखिए दाल हमारी यहाँ पर कितने अच्छे से बॉइल हो चुकी है और अब दाल को हम सिलबट्टे में पीस लेंगे। और देखिए सारी दाल हमने पीस ली है, तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे हरा धनिया और जो मसाला हमने तैयार करा था उसको भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हींग, अब आधी चम्मच हल्दी पाउडर, अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, अब थोड़ी सी अजवाइन लेकर इसे हाथों से बढ़िया से क्रश करके इसमें ऐड कर लेंगे और बस लास्ट में ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। तो लीजिए तवे को चढ़ा लेंगे हम गैस पर और बस अब रोटी बनाने के लिए आटे में से थोड़ा सा पोर्शन लेते हुए हम इसकी गोली तैयार करेंगे। उसके बाद हम इसे आटे में लपेटते हुए इसे कटोरी शेप देंगे। अब तैयार की हुई स्टफिंग को इसमें भर लेंगे और सब साइड से अच्छे से पकड़ते हुए इसे क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हम इसे आटे में अच्छे से लपेट लेंगे। उसके बाद हल्के हाथों से बेलन को चलाते हुए रोटी को बेल लेंगे ताकि स्टफिंग सब साइड इक्वली स्प्रेड हो सके। तो लीजिए रोटी बनकर तैयार है, अब इसे हम तवे पे डाल लेते हैं और बस जैसे ही रोटी एक साइड से थोड़ी सी सिक जाए इसे दूसरी साइड पलट लेंगे। तो बस रोटी को अलटते पलटते हुए इसे सभी साइड से अच्छे से सेक लेंगे। अब आप चाहे तो रोटी पर यहाँ पर घी या तेल लगा सकते हैं, टोटली आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं यहाँ पर घी का यूज कर रही हूँ और अब अलटते पलटते हुए इसे दोनों साइड से अच्छे से घी लगाते हुए सेक लेंगे। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म उत्तराखंड की फेमस एंड हेल्दी विंटर स्पेशल लोबिया दाल की भरी रोटी। तो देखिए उत्तराखंड में तो इसे कटोरी में घी लेकर उसमें डुबो डुबो कर खाया जाता है और साथ में अगर चटनी हो तो और भी मजा आ जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप चटनी की मजेदार रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, अपने कमेंट्स देकर मुझे जरूर बताएं। एंड नाउ एंजॉय।